सोलन में निजी स्कूल की बढ़ती फीसों का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अभिभावकों में पनप रहे रोष के कारण अब ये रोष आंदोलन का रूप धारण कर रहा है। अभिभावकों ने कहा कि स्कूल लगातार अपने मनमानी पर उतर गया है और हद तो हो गई है कि अभिभावकों के साथ साथ प्रशासन के आदेशों को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। यही कारण है कि परिजन बेहद चिंतित और आक्रोश में हैं। डीएवी स्कूल के पेरेंट एसोसिएशन ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर जिला प्रशासन उनके मसले को जल्द हल नहीं करेगा तो वह जहां एक ओर लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे, वहीं दूसरी ओर उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्होंने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह मनमानी कर रहा है और सरकारी आदेशों की भी अवहेलना कर रहा है। जो है डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन स्कूल मैनेजमेंट को आज भी बुलाया, जिसके तहत ये मुझे लेटर दिया गया और इसमें क्लियर लिखा गया कि प्रिंसिपल को भी आज आना उपस्थित था। तो आज आप जैसे देख सकते हैं कि स्कूल प्रशासन जो है एक अपने सरकार के बराबर में एक सरकार चला रहा है, वो प्रशासन को भी दरकिनार करके अपने ही कानून के हिसाब से आज भी उसने जो है हमारी इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया गया और इसमें हमें लगता है प्रशासन भी कहीं ना कहीं पंगू नज़र आ रहा है, अनसेटिस्फाई नहीं है। आज हमें ही बुलाया गया जबकि इसमें ये आप देख सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर के आदेश के अनुसार स्कूल मैनेजमेंट को भी बुलाया गया जिसमें आज स्कूल आया ही नहीं है। सर हमारी आगे की रणनीति यही होगी कि आप देख सकते हैं कि जैसा स्कूल ये हठधर्मी का रवैया अपना रहा है वो किसी की प्रशासन तक की भी नहीं सुनने में आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अभिभावक किस हिसाब से उनका शोषण किया है स्कूल द्वारा किया जा रहा है। तो हम आंदोलन करेंगे और न्यायालय का रास्ता भी खटखटाएंगे। हमारा जो है जो चुनावी इस समय जो आप समझ सकते हैं उसका भी हम टोटल बहिष्कार किया जाएगा।